पाकिस्तान की एक साप्ताहिक मैगजीन फ्राइडे टाइम्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान संयुक्त राष्ट्र यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकतों से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने इमरान को अमेरिका से स्वदेश वापस जा रहे विमान को बीच रास्ते में ही अमेरिका लौटने का आदेश दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत के लिए अमेरिका यात्रा के दौरान इमरान पहले सऊदी अरब गए थे। वह सऊदी अरब से वाणिज्यिक विमान से अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन बिन सलमान ने कहा कि यह नहीं हो सकता। इमरान उनके खास मेहमान हैं और वह उनके खास निजी विमान से अमेरिका जाएंगे, इसलिए लौटे थे इमरान। इमरान MBS के विमान से अमेरिका गए थे, वापस इसी से लौट रहे थे जब यह बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण उनके विमान को बीच रास्ते से अमेरिका लौटना पड़ा और फिर इमरान वाणिज्यिक उड़ान से वापस लौटे थे। अब फ्राइडे टाइम्स ने यह कहकर चौंकाया कि कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, यह MBS की नाराजगी थी जिसकी वजह से इमरान के विमान को लौटना पड़ा। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे सरासर गलत और इसे इमरान की सफल यात्रा को संदेह के रूप में लाने की कोशिश बताते हुए इस पर गहरा खेद जताया है। फ्राइडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हर हाल में इमरान खान के प्रशंसक बने रहने वालों ने न्यूयॉर्क से लौटने पर उनका विजेता हीरो जैसा स्वागत किया। यहां तक कि उनकी तरफ से सुझाव यह भी दिया गया कि जिस वाणिज्यिक विमान से इमरान जैदिया से इस्लामाबाद लौट रहे थे उसे इमरान के प्रति सम्मान जताने के लिए F-17 थंडर विमानों के घेरे में लाया जाना चाहिए। फ्राइडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इन समर्थकों को लगता है कि इमरान ने कश्मीर, इस्लामोफोबिया जैसे सभी खास मुद्दों पर धारदार तरीके से बात रखी। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हॉल आधा खाली पड़ा था और इमरान ने मान लिया था कि पाकिस्तान अलकायदा आतंकियों को प्रशिक्षित करता है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि भारत पाकिस्तान संवाद की उम्मीद पहले से कहीं कम हो गई है और एक क्षेत्रीय मुद्दा इस्लामी पाकिस्तान और हिंदू भारत का मुद्दा बना दिया गया है। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।